हिंदू धर्म शास्त्रों में तुलसी को पूज्य और शुभता का प्रतीक माना गया है। लगभग हर घर में तुलसी का पौधा जरूर होता है। पूजा पाठ में भी तुलसी के पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। कहते हैं कि भगवान विष्णु को भी तुलसी बहुत प्रिय है। भगवान विष्णु की पूजा को तुलसी पत्र के बिना अधूरा माना जाता है। बिना तुलसी के श्री हरि को भोग नहीं लगाया जाता है। लेकिन कभी आपने इसके पीछे का कारण जानने की कोशिश की है? आखिर भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का प्रयोग अनिवार्य क्यों माना जाता है? आखिर कौन है तुलसी? आइए जानते हैं इस विषय में। देवी भागवत पुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था, जिससे जलंधर नाम के राक्षस की उत्पत्ति हुई। जलंधर ने पूरी पृथ्वी पर उत्पात मचा रखा था। उसकी वीरता का राज था उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म। वृंदा बचपन से ही भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वह बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। कहा जाता है कि उसी के प्रभाव से जलंधर हमेशा विजय होता था। एक बार जब जलंधर युद्ध पर जाने लगा तो वृंदा ने कहा, स्वामी जब तक आप युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी। जब तक आप लौट नहीं आते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उसके व्रत के प्रभाव से सारे देवता जब हारने लगे तो वह भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उनसे प्रार्थना करने लगे। लेकिन भगवान विष्णु ने कहा कि वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। पर देवता बोले, भगवान दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। तब भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के महल में पहुंच गए। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा तो तुरंत पूजा में से उठ गई और उनके चरणों को छू लिया। और वृंदा का संकल्प टूटते ही देवताओं ने जलंधर का वध कर दिया और उसका सिर काट कर अलग कर दिया। जलंधर का कटा हुआ सिर जब महल में आ गिरा तो वृंदा ने आश्चर्य से भगवान की ओर देखा, जिन्होंने जलंधर का रूप धारण किया हुआ था। तब भगवान विष्णु अपने विकट रूप में प्रकट हुए पर अपनी परम भक्त से कुछ न बोल सके। वृंदा ने कूपित होकर भगवान विष्णु को उनका पतिव्रत धर्म भंग करने के लिए श्राप दे दिया कि वह पत्थर के हो जाए। इसके चलते भगवान तुरंत पत्थर के हो गए और सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। लेकिन देवताओं की प्रार्थना के बाद वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया और वह अपने पति का सिर लेकर सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा उत्पन्न हुआ जिसका नाम भगवान विष्णु ने तुलसी रखा और कहा कि मैं पत्थर रूप में शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाऊंगा। और साथ ही यह भी कहा कि तुलसी जी के भोग के बिना मेरी पूजा अधूरी रहेगी। तभी से ही तुलसी जी की पूजा होने लगी। प्रत्येक वर्ष के कार्तिक मास में देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाता है।